जब आखिरी प्रश्न चिन्ह बचा होगा तो उसे भी किसी महिला के नाम के आगे लगाया जाएगा। नमस्कार, मैं रीवा सिंह। हम सभी एक पहल की शुरुआत करने वाले हैं, हम सभी मिलकर एक पहल के साथ आ रहे हैं, एक घुमक्कड़ी के साथ आ रहे हैं। उसी घुमक्कड़ी के लिए आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आज मैं लाइव हुई हूँ। वर्णिका के साथ जो हुआ वो कोई नई घटना नहीं थी, कोई पहली घटना नहीं थी, पहली बार किसी महिला के साथ नहीं हुआ है। और वर्णिका से जो सवाल किए गए हैं वो सवाल लगभग हर लड़की से, हर महिला से अमूमन किए जाते हैं, वो सवाल घिस दिए गए हैं। तो ये लड़ाई वर्णिका की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। ये वर्णिका से हटा दे हमें अपनी, और ये लड़ाई भी नहीं है, ये घुमक्कड़ी है, ये अपनी चेतना को जगाना है। इसके लिए हम सभी उठकर आ रहे हैं। और आप सभी से अपील है कि आप सभी हमारी इस पहल में, हमारी इस घुमक्कड़ी का हिस्सा बने, इसमें शामिल हों। आपको बता दें हमारा पेज, अपनी सड़कें फेसबुक पर एक पेज है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं और आप इसमें शामिल हो रहे हैं तो उस पर हमें सूचित करें। एक कॉन्टैक्ट नंबर वहां मेंशन किया गया है, एक फोन नंबर है, उस पर हमसे बात करें, कॉन्टैक्ट करें। और हम आपको बता दें हम अकेले नहीं हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम सभी को साथ आना होगा। ये हम सबकी मुहिम है, ये हम सभी की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि रात में 12:15 बजे सड़क पर क्या कर रही थी? अच्छा, उसने मिनी स्कर्ट पहनी थी। रात में घूमोगी तो रेप तो होगा ही, और घूमो, अरे वो तो ना चार चार लड़के आते हैं उसके घर पे, जानते हैं कैसी होगी। तो ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तो ऐसे समाजवादियों को, ऐसे समाजविदों को, ऐसे समाज को हम लड़कियों को प्रमाण पत्र बांटने का ठेका दिया था। तो हम सभी को उठकर आना है, हम अकेले नहीं हैं। आपको बता रहे हैं, दिल्ली वाली लड़कियां, सभी दिल्ली वालियां इकट्ठा हो रही हैं शनिवार को रात में 9 बजे जनपथ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के ठीक सामने सड़क पर। लेकिन हम दिल्ली वालियां अकेली नहीं है, हमें पूरे भारत से समर्थन प्राप्त है। भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, सिर्फ मेट्रो शहरों से नहीं, छोटे कस्बों से लोग आ रहे हैं, नगरों से लोग आ रहे हैं। बता दें दिल्ली में गीता यथार्थ, प्रीति नाहर, खुशबू अख्तर, रीवा सिंह, खुद में, प्रियंका, श्वेता यादव, अनुशक्ति सिंह, अपराजिता शर्मा, नीलिमा चौहान, और ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नामों की लंबी लिस्ट है जो लोग शामिल हो रहे हैं। सिंधुवासिनी त्रिपाठी लखनऊ से, गीता प्रभा सिंह अपनी पलटन के साथ आ रही है, बिलासपुर से शामिल है प्रिया शुक्ला जी, चंडीगढ़ से प्रीति कुसुम, अलाहाबाद से नेहा, शालू यादव, निधि पद्मा, पंचकुला से मंजली सहारन, निशी शर्मा है जमशेदपुर से, जयपुर से हमारे साथ रोहित हैं, कोलकाता से रितु और ब्रजेश कुमार हैं। तो हमें बहुत जगहों से, ऐसे ही चारू हैं हमारे साथ कुशीनगर से, उनके साथ पढ़ना है, और कसर रोड पर, ऐसे हमें कई जगह से समर्थन मिल रहा है। हम सबकी कोशिश है कि आप सभी सड़कों पर आएं, आप सभी सड़कों पर आएं, क्योंकि सड़कें उतनी ही आपकी भी हैं, उतनी ही हमारी भी हैं, जितने इस पूरे समाज की। इस समाज को जानना होगा कि रात के 8 बजे के बाद भी हम लड़कियां, हम महिलाएं मर नहीं जाती, जिंदा रहती हैं। जी हाँ, हम लड़कियां अभी रात में 8 बजे के बाद भी एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं हो जाती, हम लुप्त प्राय प्रजातियां नहीं हो जाती, हम रात में भी जिंदा रहती हैं, जीती हैं। उन सड़कों का टैक्स हम महिलाएं भी भरती हैं, और हम चाहते हैं कि रात में वो सड़कें बनी रहे, इसलिए हमें उन सड़कों पर उतरना जरूरी है। सड़क खतरनाक है तो निकलिए ना, सब निकलेंगे तो खतरा अपने आप दूर होगा। घर में बैठे रहने से तो खतरा टल नहीं जाएगा, और घर कोई सुरक्षा कवच थोड़ी ना है, और ना लक्ष्मण रेखा है, कब तक बचेंगे? और हमने डरना छोड़ दिया है, ये बात उनके लिए कम भयावह नहीं है। और अगर हमें सड़क से रोकना है, हमें सड़क पर नहीं जाने देना है, तो दिन ढलते ही उन सड़कों पर खतरे का साइन बोर्ड लगवा दिया जाए। मेरी आप सभी से अपील है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे भारत के कोने कोने से आ रही, से मुझे देख रही महिलाओं से, लड़कियों से अपील है कि आप सभी इस मुहिम में शामिल हों। और आप सभी इसके लिए हमारे पेज, अपनी सड़कें पर हमसे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें, और उस पर अपनी तस्वीरें साझा करें, हमसे जुड़ें। हम सभी को निकलना होगा सड़कों पर, ऐसे ही। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हम अपने लिए निकलना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। तो आए,
सड़क पर आना जरूरी है कि ये सड़क हमारी भी है, हम सभी को आना होगा। और कुछ नहीं करना है, कुछ तैयारी नहीं है, हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर निकलेंगे, हम सड़क पर निकलेंगे सड़क को जीने के लिए। तो जैसे आप टहलने, घर से टहलने निकलते हैं, उसी अंदाज में आराम से बिंदास निकलिए, साथ में कुछ स्नैक्स, पानी की बॉटल्स वगैरह रख लीजिए, ताकि आप कहीं रुक कर आपको प्यास लगे या कुछ खाना हो तो खा पी सके। हाँ, लेकिन स्नैक्स और पानी की बॉटल की पैकेट्स और बॉटल डस्टबिन में ही डालें, ताकि हम पर ताकि हम अपनी जवाबदेही और हम अपने हिस्से की जागरूकता निभा सकें। और उसके बाद हम मस्ती करेंगे, रात में कहीं चहलकदमी करेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे सड़क पर, वैसे ही जैसे अपने घरों में करते हैं, क्योंकि सड़क भी हमारी उतनी ही है जितने की हमारे घर हैं। तो ऐसे ही मस्ती करते हैं। दिल्ली वालियां, सभी मिले शनिवार को रात में 9 बजे जनपथ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने सड़क पर। और दिल्ली वालियों के अलावा लखनऊ वालियां, बनारस वालियां, पटना वालियां, बिलासपुर वालियां, कोलकाता वालियां, सिलीगुड़ी वालियां, बंगाल वालियां, केरल वालियां, चेन्नई वालियां, अहमदाबाद वालियां और ग्वालियर वालियां, सभी से अनुरोध है, मेरठ वालियां, गोरखपुर वालियां, देवरिया वालियां, कुशीनगर वालियां, कश्मीर वालियां, असम वालियां, सभी से अनुरोध है, सभी इसमें शामिल हो। सभी सोचिए ना कैसा लगेगा, कितना अद्भुत होगा वो दृश्य, जब रात में एक रात को जरा सोचिए, अगर पृथ्वी को कहीं दूर से देखा जाता, किसी सैटेलाइट से देख रहे हैं, हालांकि उतना दूर से दिखेगा नहीं, कितना खूबसूरत होगा कि भारतवर्ष के गांव, शहर, कस्बे, नगर, मेट्रो सिटी, हर जगह से लड़कियां निकल रही हैं और आराम से घूम रही हैं। एक रात को लड़कियां निकलती हैं, आराम से घूमती हैं, एक दिन शुरुआत करते हैं, फिर ऐसा कायम, ऐसा फिर चालू रखेंगे, फिर दोबारा निकलेंगे। तो हमें सड़क पर निकलने को इतना आम बना देना है कि रात में कोई स्टॉप ना कर सके, कि कल को कोई ये ना कहे तो रात में निकली ही क्यों, रात में निकलोगी तो रेप तो होगा ही। तो अब हमें जरूरत है कि हम बेटी बचाओ में हम बेटियां बेटी शब्द के आगे से बचाओ को उखाड़ फेंकें। उम्मीद है आप सभी हमारे साथ होंगे, अपनी सड़कें पर संपर्क करें, बताएं हमें कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।